हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आयोजित की जाने वाली 6 माही परीक्षा का आयोजन के पहले दिन ही अध्यापकों व छात्रों के पसीने छूट गए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे तक और 1 से 4 बजे तक ली जा रही है। शाम को ही कार्यालय से स्कूल के अध्यापकों को पेपर मिले और 9 बजे पेपर शुरू होने से 10 मिनट पहले जब पेपर खोले गए तो स्कूल स्टाफ के हाथ पांव फूल गए कि जिस कक्षा में 70 बच्चे परीक्षा देने वाले हैं उस कक्षा में बोर्ड की तरफ से कुल 35 पेपर भेजे गए। यही हाल किसी एक स्कूल का नहीं, नारनौंद ब्लॉक के सभी स्कूलों कमोबेश यही हालात नजर आए। सर, ये कल बीओ ग्रुप से बीओ ऑफिस से कॉल आई थी कि यहाँ से क्वेश्चन पेपर ले जाएं, तो 3 दिन के क्वेश्चन पेपर हमें दे दिए। लेकिन आज सुबह फिर से कॉल आई कि केवल आज के पेपर रख करके बाकी के पेपर वापस जमा करवा दिए जाएँ। तो आज ये बाकी के पेपर हम जमा करवाने आए हैं, केवल आज के पेपर हमने रख लिए हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश आए होंगे इस तरह के एक दिन का एक पेपर दिया जाए। तो पहले ये पेपर जो है प्रिंसिपल की कस्टडी में दे दिए गए थे, पर अब बोल रहे हैं कि ये बीओ की कस्टडी में ही रहेंगे और केवल जिस दिन पेपर होगा केवल वही पेपर उस दिन दिया जाएगा। आपका नाम? स्कूल जी, मेरा नाम सुल्तान कुंडू है, JEE+ मिर्जपुर। समस्या ये है सर, सरकार ने कोई अधिकारियों ने अपना कोई नियम ही नहीं बना रखा किस तरह से पेपर देने हैं, किस तरह से नहीं। पहले बोले सारे ले जाओ, सारे ले गए, सारी बार नो ले बोला आज का पेपर छोड़ गया, बाकी सारे ले वापस जमा करवा खाओ। सरकार ने आधा दिन की तुम्हारी वैसे ही वो कर दी, पेपर में वो डिटेल लगा दी और फिर पढ़ाने खातर वो बालक रखे थे वही भी इसमें जमा करवाना, मार जाओ चक्कर काटे जाओ। क्या कुछ पेपरों की भी कमी है? हाँ, पेपर की कमी है जी, 127 बालक थे, 72 पेपर आए हैं, 30 बालक हैं, वो 50 बालक हैं, पेपर कितने लगाएंगे? स्कूल में फोटोस्टेट की सुविधा नहीं, करवाए जाओ बाहर बाजार मांडे जाओ, आधा घंटा पास पेपर शुरू हो गया, कहेंगे फिर पेपर लेट क्यों शुरू हुआ, सारी समस्याएं हैं जी। ऐसे में भला कैसे इस प्रदेश की शिक्षा का स्तर सुधरेगा? सरकार शिक्षा के स्तर सुधारने के लाख दावे करे लेकिन असलियत में सुधार की आवश्यकता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी को भी है, पेपरों की संख्या कम होने के कारण अध्यापकों को फोटोस्टेट करवा कर काम चलाना पड़ा। वहीं जिस गांव में फोटोस्टेट की सुविधा ही नहीं उस स्कूल के अध्यापकों को शहर में फोटोस्टेट करवाने के लिए आना पड़ा। वहां बच्चों तकरीबन 1-1.5 घंटा परीक्षा देर से देनी पड़ी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से पेपर बांटने के लिए जिस कर्मचारी ईश्वर सिंह की ड्यूटी लगाई गई है उन्होंने कहा कि इस बारे में बीईओ से ही बात करें, मुझे इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं। ये थे जी, मतलब अपने जो बीईओ साहब वही बताए गए जो उसके आदेश से करे मैथमेटिक्स। नारनौंद से इस विशेष रिपोर्ट के लिए संदीप चांगड़ा। You are watching News India Live TV. Subscribe our channel for latest news and updates. And don't forget to press bell icon for latest notifications.